आइए एक्सप्लोर करते एडोबी ऑफ्टर इफेक्ट के टेक्स्ट को। हमने टेक्स्ट का टूल भी देखा और फर्दर एक और तरीका भी होता है, वो हम देखते हैं। इसके अलावा आप अपने टेक्स्ट को भी वैसी एनिमेशन दे सकते हैं जिस तरह के नॉर्मली आप अपनी एनिमेशन को की फ्रेम्स के थ्रू देते हैं। बाकी आपके पास इसमें कुछ ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट के इफ़ेक्ट्स प्रीसेट्स मौजूद हैं जो कि आपके टेक्स्ट को बड़ा ज़बरदस्त एनिमेट कर सकते हैं। जहाँ तक यूजेज की बात है तो आप इससे टाइटल्स बना सकते हैं, आप इससे लोअर थर्ड्स बना सकते हैं, या किसी भी किस्म की एक्सप्लेनर वीडियो क्यों ना हो, आप उसमें जिस तरह से भी टेक्स्ट डालना चाहें तो आपके पास उसको एनिमेट करने के बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। आइए देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास यहाँ पर जो टूल्स हैं यहाँ से भी हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं, यहाँ बल्कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। अगर आप अपने माउस को क्लिक करके होल्ड रखें तो दूसरी ऑप्शन भी आपको नज़र आ जाएगी। कहीं भी आपको टेक्स्ट लिखना हो आप उस जगह पे क्लिक करेंगे, एग्जैक्टली उसकी अलाइनमेंट भी वहीं पर हो जाएगी। जिस तरह मैं यहाँ पर लिखता हूँ वीडियो एडिटिंग एनिमेशन एंड वी लॉगिंग, अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट आपका इस वक्त थोड़ा सा साइज़ बड़ा है तो ये बाहर चला गया। इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल ए से सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा जो कि इस लेयर के अंदर है। फर्दर हमारे पास हमेशा से ही सॉफ्टवेयर में, जिस तरह के आपके पास रेगुलर सॉफ्टवेयर्स में भी वर्ड एक्सेल वगैरह में भी ये सारे कंट्रोल मौजूद होते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर करेक्टर के नाम से एक टैब मौजूद है, एक विंडो मौजूद है। इसमें हमारे पास टेक्स्ट का कलर से लेके उसका फॉन्ट, कौन सा फॉन्ट होगा, और उसके अलावा उसका साइज़, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। जो जो फॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल होगा वो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइलाइज किस्म के, हर किस्म के फॉन्ट आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। और फर्दर आपके पास इसमें अगर आप कुछ और चेंज करना चाहें उसके साइज़ वगैरह के हवाले से, तो यहाँ से हम जाके चाहें तो टाइप भी कर सकते हैं। ये फॉन्ट इस वक्त हम जो रख रहे हैं यहाँ पर, ये हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। फर्दर आप इसकी चाहें तो और ऑप्शन, अगर इसमें ऑप्शन मौजूद हो बोल्ड इटैलिक वगैरह की, वो भी कर सकते हैं। और बाकी आपके पास इनकी स्पेसिंग वगैरह की ऑप्शन भी मौजूद है जो कि मैं रिकमेंड करूँगा आप इनको एक्सप्लोर करें। फर्दर यहाँ पर आप इनकी प्लेसिंग करना चाहें, जिस तरह कि अगर मैं चाहता हूँ कि सेंट्रलाइज हो तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पर पैराग्राफ की ऑप्शन मौजूद है। और अब आप देख रहे हैं कि इस वक्त सेंटर हो गया है। और फर्दर मैं चाहूँ तो अलाइनमेंट के थ्रू, अगर राइट लेफ्ट सेंटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी तरीके से भी मैंने अलाइन करना हो इसको, तो ये एग्जैक्टली मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने दोनों हॉरिजॉन्टल वर्टिकल सेंट्रल इसको अलाइन कर दिए, तो ये आपके पास टेक्स्ट लिखा गया है। जैसे जैसे ये लेयर अपेयर होगी आपके पास वो टेक्स्ट आ जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी कोई वीडियो चल रही हो, जो कि अभी हम इम्पोर्ट कर लेते हैं एक, और इस तरह की वीडियो आपके पास चल रही है और यहाँ से ये लेयर आपके पास एन होगी, तो आपके पास ये फॉन्ट भी इसी तरीके से एन हो जाएगा। कलर की ऑप्शन आप इसमें बाद में भी चेंज कर सकते हैं, आप इसको चाहें तो इसको हम थोड़ा सा येलोइश में रख लेते हैं। अब आपने एनिमेशन के जितने भी पार्ट सीखे वो इसके ट्रांसफॉर्मेशन में आपके पास यहाँ पर भी अप्लाई हो सकते हैं। मैं अगर यहाँ आई प्रेस करूँ तो मैं इसके फर्स्ट फ्रेम पर आ चुका हूँ और यहाँ से मैं उस तरह से एनिमेट कर सकता हूँ। लेट्स सी, मैंने सिंपल इसको फेड इन ही करना हो तो मैं ओपेसिटी को एनिमेट करना होगा उसके लिए मुझे। और अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा एक सेकेंड का फेड इन हो, यहाँ पर की फ्रेम है, यहाँ डॉट से ऐड कर सकता हूँ और दोबारा पिछले की फ्रेम पे जाके इसको मैं ज़ीरो कर दूँगा, तो इस वक्त ओपेसिटी मेरी एक सेकेंड का ये फेड इन हो गया है। या फिर इसी तरीके से अगर आप चाहते, इसको मैं अंडू करता हूँ, और अगर आप चाहते कि आप इसको लेफ़्ट ऑफ द स्क्रीन इन करना चाहते थे, आप चाहें तो सिलेक्शन टूल पकड़ के इसको, एक टिप मैं आपको और दे देता हूँ, जहाँ पर आपकी पोजीशनिंग होगी अगर आप इसको मूव करेंगे चांसेस हैं ऊपर नीचे हो जाएं। बिल्कुल अगर आपको स्ट्रेट लाइन में लेके जाना हो, आप शिफ्ट ऐड कर देंगे तो फिर वो इसको आपको हेल्प आउट करेगा कि आपकी जो मूवमेंट है वो फिर स्टैटिक ही रहे, स्ट्रेट ही जाए और ऊपर नीचे ये ना हो। इसको मैंने स्क्रीन से आउट कर दिया, यहाँ से पोजीशन को एनिमेट करूँगा और यहाँ तक मैं इसको अगर इन करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं इस वैल्यू को अगर राइट पर ले जाऊँगा तो इस वक्त ये इन दो की फ्रेम्स के बीच में ये एनिमेशन हो रही है। तो इस तरीके से आप ये बेसिक एनिमेशन तो कर सकते हैं अपने की फ्रेम से।
लेकिन इसके अलावा हमारे पास बड़े स्टाइलाइज किस्म के प्रीसेट्स मौजूद हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और कुछ ऐसे प्रीसेट्स भी हैं जो कि आप एक्सटर्नल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि उनमें से बहुत ज़्यादा ऐसे भी हैं जो आपको फ्री मिल जाएंगे, जस्ट आपको वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी, एक आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। उसको भी हम आगे जाके देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अभी हम बात करें इसके अपने बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स की, तो यहाँ पर मेरे पास इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स की ऑप्शन है, और एनिमेशन के प्रीसेट के अंदर मेरे पास काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इसमें मैं इस पर अगर स्पेसिफिकली टेक्स्ट के ऊपर बात करूं तो आप देख सकते हैं कि ये जो एनिमेट इन है, एनिमेट आउट है, तो ये आपको ये बने बने प्रीसेट्स हैं जिसमें आप किसी को भी अप्लाई करेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट, एक अलग इफ़ेक्ट क्रिएट होगा। यहाँ से हम पोजीशन को डिलीट कर देते हैं और हम इसकी वैल्यू को भी रीसेट कर देते हैं ताकि हम अपना जो नया लगाने वाला इफ़ेक्ट है उसको बेहतरीन तरीके से देख सकें और हमें नज़र आ जाए कि वो उसका क्या इम्पेक्ट हुआ। इसमें से हम कोई भी सिलेक्ट करते हैं, सबसे कॉमनली मेरा फेवरेट भी है टाइप राइटर वाला, और इसको अगर हमने जस्ट यहाँ से पकड़ के इसके ऊपर ड्रैग किया है तो आप देख लें जहाँ पर आपका सी टी आई होगा वहाँ से उसको ये एनिमेट करना शुरू होगा, और आप देख रहे हैं कि इस वक्त आपके पास एक एक वर्ड एनिमेट हुआ है। फर्दर अगर आप चाहें तो इसमें और ऑप्शंस भी मौजूद हैं आपके पास, और हर प्रीसेट की अलग अलग ऑप्शन मौजूद हो सकती हैं। इसमें इनकी कुछ स्ट्रोक हो सकते हैं या फिर इनकी कोई मूवमेंट का तरीका हो सकता है। तो ये बहुत सिंपल सा आपके पास इफ़ेक्ट है। अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत तेज़ है या फिर आप इसको स्लो करना चाहते हैं तो आप इनके की फ्रेम का डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो ये बेसिकली आपको यहाँ जाना पड़ेगा एनिमेटर में, और उसके बाद आपको इसके रेंज सिलेक्टर में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये की फ्रेम थोड़े से साइज़ में बड़े भी हो गए इस वक्त, और इसको जब आप आगे मूव करेंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि इसकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ चुकी है या फिर ये इफ़ेक्ट, ये प्रीसेट थोड़ा सा स्लो हो गया है। इसको हम अंडू करते हैं, और यही प्रीसेट, यही इफ़ेक्ट अगर आप चाहते हैं कि ये शुरू से ही आता तो आप इसको बिल्कुल शुरू में जाके, इस वक्त अगर मैं आई प्रेस करूँ शुरू में चला गया, और इन की फ्रेम्स को आप चाहते तो शुरू में ही मूव कर देते, तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त बिल्कुल स्टार्ट में आ गया। जहाँ पर आपका सी टी आई होगा और वहाँ पर जब आप ये इफ़ेक्ट अप्लाई करेंगे तो वहाँ से वो एनिमेट इन होना शुरू होगा, ये बात आपने बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि लेयर्स जब बढ़ती जाएंगी, जब टेक्स्ट ज़्यादा होगा या और आपके पास इमेजेस या और एसेट्स होंगे तो आपके लिए थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल हो सकता है। हम किसी और को भी लगा कर ट्राई करते हैं, मिसाल के तौर पे हमारे पास है स्पिन इन बाय कैरेक्टर, और ये यहाँ ड्रैग करेंगे लेयर के ऊपर, और यहाँ से ये शुरू हुआ इन होना और ये इस तरह से आपके पास आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीपल इफ़ेक्ट भी लगा सकते हैं, पहले हमने टाइपराइटर लगाया तो इस तरह से इन हुआ, और चूंकि दूसरा इफ़ेक्ट लगा था जिसने उसको स्पिन करना है तो उसने उसको ऑलरेडी नीचे मूव कर दिया। आप चाहें तो सेम टेक्स्ट की लेयर अलग से बना के उसके ऊपर इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। अगर हम इसको यहाँ पर देखें, क्योंकि एनिमेटर वन, एनिमेटर टू इस नाम से ये नए इफ़ेक्ट्स ऐड हो रहे हैं, अगर हम इस इफ़ेक्ट को डिलीट करना चाहते हैं दूसरा वाला, तो हम एनिमेटर टू को डिलीट कर देंगे तो हमारे पास पहला वाला इफ़ेक्ट जो है, जो प्रीसेट था, वो एज इट इज़ ही रहा। एक दो और भी ट्राई करते हैं, क्योंकि इसमें आप इसको इन भी कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको आउट भी कर सकते हैं। अभी हम एनिमेट इन के अंदर थे तो इसका मतलब ये था कि इस वक्त जो स्टार्टिंग वाले बेसिकली इफ़ेक्ट हैं वो बन रहे हैं, और अगर हम इसके साथ इस पे एनिमेट आउट भी ट्राई कर लें तो आपके पास तो ये इस वक्त उसको आउट कर रहा है। ये हमने इन किया इसको, जो कि हमने लगाया था प्रीसेट स्पिन वाला, और ये हमारे पास रेनिंग कैरेक्टर्स, तो इस तरह से ये इसको आउट कर दिया। तो ये काफ़ी आसान है, जस्ट ये आपको उस पर ड्रैग करके लगाना है, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक अच्छी टेक्स्ट की एनिमेशन बन जाती है। और अगर इस तरीके से मैंने इसको इन कर लिया और मैं चाहता हूँ कि बस ये लेयर यहाँ तक ख़त्म हो जाए, ऑल्ट और ब्रैकेट क्लोज की अगर मैं प्रेस करूंगा इसके ऊपर तो वो लेयर यहीं पर एंड हो जाएगी और इस सी टी आई के बाद आगे कुछ भी नहीं है। और आपको कोई अगर मज़ीद भी टेक्स्ट इसमें लिखना हो तो आप चाहें तो
बेशक नई लेयर ऐड कर लें, और अगर आप चाहते हैं कि इतना ही टेक्स्ट आपका आ गया, इसके बाद आपने अगर यहाँ से इसको चेंज करना है तो इसी टेक्स्ट के नीचे आपके पास ये सोर्स टेक्स्ट की ऑप्शन है। अगर आप इसको ऑन कर देंगे और अपना CTI आप जितना आगे लेके जाएंगे, क्योंकि बीच में वो टेक्स्ट चेंज करने के लिए एक आपको क्रॉस फेड देगा। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ बाय सैयद उमर अली, इसको भी मैं चाहूँ तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, और आप देख सकते हैं कि पहली वाली टेक्स्ट की जो मोशन है वो वैसे ही है, इसी तरह से जिस तरह से एनिमेट इन हो रहा था, और इस एरिए पे जाके हमने अपने टेक्स्ट को चेंज कर लिया है। और यहाँ से हम इस तरह से टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने और टेक्स्ट ऐड करने हैं तो आप अलग लेयर पे काम करें, कंट्रोल्ड रहेगा इस तरह से, और आप नए प्रीसेट्स भी या डिफरेंट प्रीसेट्स भी उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ये अभी तक हमने टेक्स्ट की कुछ बेसिक चीज़ें देखी, कुछ प्रीसेट्स देखे, कुछ एनिमेट इन एनिमेट आउट करके हमने देखा, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा फन एलिमेंट है। आप ज़रा प्ले अराउंड कर सकते हैं डिफरेंट टेक्स्ट को लिख के, लोअर थर्ड के लिए, टाइटल के लिए, और डिफरेंट टेक्स्ट की लेयर्स के साथ इसको ज़रा आप एक्सप्लोर करें। नेक्स्ट लेक्चर में भी हम थोड़ा टेक्स्ट के ऊपर मज़ीद बात करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि उनको जानने के बाद आपको टेक्स्ट की एनिमेशंस या आपके सारे प्रीसेट्स वगैरह का यूजेज और बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में उस पर हम मज़ीद बात करेंगे।